आइए बच्चों, जानते हैं छ से शुरू होने वाले शब्दों के बारे में। छ से छाता, छ से छलनी, छ से छात्र, छ से छाती, छ से छड़ी, छ से छिपना, छ से छिपकली, छ से छोटा। अब दिए गए चित्र के एरो के हिसाब से छ लिखना सीखते हैं। फर्स्ट एरो फर्स्ट कर्व, सेकंड एरो सेकंड कर्व, उसी से ले जाते हुए सर्कल, थर्ड एरो स्टैंडिंग लाइन, फोर्थ एरो स्लिपिंग लाइन, बन गया छ। आइए बच्चों, चलते हैं च वर्ग के दूसरे व्यंजन की ओर। च वर्ग का दूसरा व्यंजन है छ से छाता। चलिए सीखते हैं कैसे लिखते हैं छ से छाता। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि हम सभी व्यंजन सेकंड लाइन से लिखना शुरू करते हैं। सेकंड लाइन से हम बनाएंगे एक छोटा सा कर्व जो कि थर्ड लाइन तक जाएगा। थर्ड लाइन से एक और कर्व बनाएंगे जो कि फोर्थ लाइन तक जाएगा। फिर हम यहीं से ले जाते हुए छोटा सा सर्कल बना देते हैं। फिर एक छोटा सा स्टैंडिंग लाइन जो कि सर्कल को टच करेगा। फिर बनाएंगे स्लीपिंग लाइन, बन गया छ से छाता। एक बार फिर देखते हैं बच्चों। फर्स्ट कर्व टू एंड थ्री लाइंस में, सेकंड कर्व थ्री एंड फोर्थ लाइन में, यहीं से इसको ऊपर ले जाते हुए छोटा सा सर्कल गोला बना देंगे बच्चों। फिर छोटा सा स्टैंडिंग लाइन जो सेकंड लाइन से सर्कल तक बनेगा। फिर स्लीपिंग लाइन, बन गया छ। एक आखिरी बार देखते हैं बच्चों। टू से थ्री लाइन में एक छोटा सा कर्व, थ्री से फोर लाइन में एक छोटा सा कर्व, यहीं से बढ़ाते हुए छोटा सा गोला, सेकंड लाइन से इस गोले तक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, बन गया छ। छ से छाता।